जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है सुदर्शन चक्र। जब हम एक साथ जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जिसे कहते थे, तो जन्म कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को देखते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, तो इसे सुदर्शन चक्र पद्धति कहा जाता है। तो तीनों को लग्न का मान है कहने के लिए एक तरीका होता है कि लग्न देह या शरीर को बिलोंग करती है, सूर्य आत्मा को और चंद्र मन को। इससे तीनों लग्नों से हमें देखना चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे से नियम बताने का प्रयास करूंगा जिससे आपको इसमें आनंद प्राप्त हो, और बहुत सरल तरीके से कोशिश करूंगा कि आप अपनी कुंडली में भी उसे देख सकें। हर एक राशि का मैथमेटिकल नंबर क्या होता है वो आप देख पाए, और उसका स्वामी क्या है उसके आगे लिखा है, जिससे आपको समझना आसान हो। और आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपनी जन्म कुंडली लीजिए, उसको देखिए, उसके पहले घर में क्या बैठा है या कौन सा ग्रह बैठा है। इस तरीके से तो सभी ग्रहों की दृष्टि भी मैं लिख दूंगा, आप देख पा रहे कि कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन कौन सी नंबर पे है। तो दृष्टियों की चर्चा भी मैंने कर दी, राशियों की चर्चा मैंने कर दी। आपको अपनी कुंडली लेनी है, लग्न को देखना है और ध्यान से एक बार समझना है कि कैसे मैंने बताया और आपको कैसे लागू करना है। बहुत मजा आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीन योग मैं बताऊं, और भी धीरे धीरे बहुत से बताऊंगा, पर पहले तीन योगों की चर्चा करते हैं। तो पहला योग है इसमें, यदि तीनों लग्नों यानी जन्म लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, तीनों लग्नों को लग्नेश देखें तो ये अतीव शुभ योग है, या कम से कम दो लग्नों को लग्नेश देखें तो इसे भी बहुत शुभ समझा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए कि जब तीनों लग्नों को लग्नेश देखता है तो उसका कितना जबरदस्त प्रभाव देखने में आ सकता है, और दो लग्नों का भी आता है। तो ये एग्जाम्पल में आप देखें, ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न यानी चार नंबर, और इसके स्वामी होते हैं चंद्र, यानी इस लग्न के लग्नेश हुए चंद्र। तो चंद्र की अपनी लग्न पर पूर्ण दृष्टि है, तो लग्न कुंडली में लग्नेश की लग्न पर पूर्ण दृष्टि। अब हमने इसी की चंद्र कुंडली बनाई, इसी कुंडली की चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली का लग्नेश कौन है, मकर। मकर का स्वामी हुआ शनि, शनि की पूर्ण दृष्टि है। तो चंद्र लग्न पर भी चंद्र लग्न के लग्नेश की पूर्ण दृष्टि। अब हमने इसकी सूर्य लग्न बनाई, सूर्य लग्न का स्वामी है वृश्चिक राशि के कारण मंगल, और मंगल की भी चौथी पूर्ण दृष्टि है। तो इस उदाहरण में तीनों लग्नों पर तीनों लग्नेशों की पूर्ण दृष्टि है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है जिसमें तीनों की तीनों लग्नों पर तीनों लग्नेशों की पूर्ण दृष्टि है, जो अतीव शुभदायी है। देश की प्रधानमंत्री नहीं, सब जानते हैं। इस उदाहरण में ये कुंभ लग्न की कुंडली है, और लग्न के स्वामी हैं शनि, और शनि की अपनी दशम दृष्टि लग्न पर पड़ती है। अब हमने इसी की सूर्य कुंडली बनाई, सूर्य कुंडली और लग्न कुंडली यहां पर एक ही है, तो शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ी, तो दो लग्नों पर लग्नेशों की दृष्टि आ गई। अब बनाई हमने चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली का जो ग्रह है लग्न, जो स्वामी है वो है बुध, और शनि की बुध पर भी दृष्टि है, और वो बैठा भी शनि के घर में। तो कम से कम दो लग्नों पर लग्नेशों की दृष्टि है, और तीसरी लग्न का भी शनि से सीधा संबंध है। तो यहां ये एक और एग्जांपल है कि ये भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तीसरे उदाहरण को देखते हैं, ये तुला लग्न की कुंडली है, और इस लग्न का स्वामी है शुक्र। शुक्र की अपनी लग्न पर पूर्ण दृष्टि है। अब क्योंकि लग्न में चंद्र है तो चंद्र कुंडली भी सेम आएगी, और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, तो यहां दोनों लग्नेशों की यानी जन्म लग्न और चंद्र लग्न पर अपनी अपनी पूर्ण दृष्टि आ गई। और जो तीसरा है यानी सूर्य लग्न, इसका स्वामी शुक्र नहीं देख रहा है, लेकिन दो लग्नों के स्वामी अपनी लग्न को पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं। ये एंटी रामाराव, एक साउथ के
एक्टर फिल्म मेकर सब कुछ रहे, ये उनकी कुंडली है, एनटीआर के नाम से मशहूर हैं। तो इनके कुंडली में शुक्र का कितना जबरदस्त प्रभाव है कि तीनों लग्नों का डायरेक्ट लिंक है, इस लग्न का स्वामी, इस लग्न का स्वामी और इसका, यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों का स्वामी एक ही ग्रह है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि जब तीनों लग्नेश यानी चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और जन्म लग्न के जो लग्नेश हैं, लग्नों के स्वामी, अगर वो आपस में मित्र हैं तो ये भी अतीव शुभ योग है। तो इनकी मैत्री को तो बताना इसमें क्या है, टेबल बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको टेबल दिखाने की कोशिश करूंगा और जिससे कि आपके लिए समझना आसान है। तो तीनों लग्नों को देखना है, सिर्फ बहुत छोटा सा तरीका है, अपना पहला भाव पर उंगली रखिए और देखिए कि उसकी राशि कौन सी है और वो तीनों की राशियां आपस में मित्र हैं कि शत्रु, आपको आसानी से पता चल जाएगा। बहुत ही बढ़िया नियम है और बहुत ही कारगर नियम है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको आराम से बात समझ में आ जाएगी। ये कर्क लग्न की कुंडली है और इस कर्क लग्न की कुंडली का स्वामी है चंद्र, क्योंकि सूर्य भी लग्न में, इसलिए सूर्य लग्न सेम आ गई, इसका लग्न का स्वामी है चंद्र। और अब आती है बात चंद्र लग्न बनाने की, तो चंद्र लग्न के अंदर जो लग्न का स्वामी है वो है गुरु। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि इन दो लग्नों का स्वामी तो एक ही है और इस लग्न का स्वामी गुरु, यानी गुरु और चंद्र एक साथ बैठे हैं। यहां पर गुरु और चंद्र आपस में मित्र हैं, तो नियम यह था कि जब तीनों लग्नों के स्वामी आपस में मित्र हों तो वो अतीव शुभ फल देने वाला हो जाता है। कि यहां जो लग्न का स्वामी है 11 नंबर, वो है शनि और शनि ये रहा। सूर्य लग्न भी बाईचांस यही है तो इसका भी स्वामी शनि, दोनों का लग्नेश एक ही है। और जो इनकी चंद्र लग्न है, अगर हम उसे बनाते तो यह चंद्र कुंडली कह लो, तो उसका स्वामी है बुध। बुध और शनि आपस में मित्र हैं, तो तीनों लग्नों के स्वामी शनि, शनि और बुध ये आपस में मित्र हैं। तुला लग्न है और लग्न का स्वामी क्या हुआ, शुक्र। चंद्र लग्न भी वही आएगी क्योंकि लग्न में चंद्र है, तो चंद्र लग्न और लग्न एक जैसा, तो फिर से स्वामी क्या हुआ, शुक्र। और आपने सूर्य लग्न बनाई तो सूर्य लग्न का स्वामी वृषभ, शुक्र। तो तुला, तुला और वृषभ और इन तीनों का जो स्वामी है वो एक ही ग्रह, उसका नाम है शुक्र। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम यह कहता है कि यदि कोई ग्रह तीनों लग्नों या लग्नेशों को प्रभावित करता है तो वो ग्रह बड़ा अतीव होता है शुभ, यानी उसकी दृष्टि लग्न या लग्नेशों पर आए, या वो तीनों लग्नों से दशम भाव में बैठा हो, या कोई भी ऐसी चीज, कॉमन चीज हो जो तीनों लग्न और लग्नेशों से आ जाए तो वो भी बहुत अतीव शुभ फल देने वाला हो जाता है। ये नियम छोटा सा लग रहा है लेकिन लागू करके देखिए, ये बहुत ही प्रभावी नियम है और इसका जबरदस्त प्रभाव देखने में आएगा। इस उदाहरण में देखते हैं, बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं और लग्न के स्वामी तुला से है शुक्र, तो शुक्र को भी देख रहे हैं, यानी लग्न और लग्नेश दोनों को देख रहे हैं। क्योंकि लग्न में चंद्र है इसलिए चंद्र कुंडली भी यही आएगी और स्थिति वापस वही, लग्न और लग्नेश दोनों को देख रहे हैं। अब बनाई हमने सूर्य लग्न, ये रही। अब यहां पर भी स्थिति है कि गुरु लग्न और लग्नेश दोनों को देख रहे हैं, तो इस उदाहरण में गुरु तीनों लग्नों और तीनों लग्नेशों को देख रहे हैं, तो इसलिए गुरु का प्रभाव अत्यधिक मजबूत यहां पर हो जाता है, अतीव सफलदायी हो जाता है। इस उदाहरण में देखिए, गुरु लग्न को देख रहा है पांचवी दृष्टि से और लग्नेश शनि को भी देख रहा है, यह हुई लग्न की स्थिति। अब सूर्य लग्न की बात करते हैं, सूर्य लग्न गुरु लग्न और लग्नेश दोनों को देख रहा है। अब बात करते हैं चंद्र लग्न की, तो चंद्र लग्न में गुरु चंद्र लग्नेश को पूरी दृष्टि से देख रहा है, तो यहां दो लग्नों को, तो गुरु दो लग्न और लग्नेशों को, लग्न और लग्नेशों
लग्न और लग्नेशों को देख रहा है, और तीसरी स्थिति में क्या दिखा रहा है, सूर्य लग्न की जब हम कुंडली बना रहे हैं तो वो दृष्टि इस तरीके से आ रही है चंद्र लग्न में कि वो लग्नेश को तो देख रहा है लग्न को नहीं। तो यहां भी गुरु क्योंकि तीनों लग्नों को प्रभावित करता है तो अत्यधिक सफल देने वाला हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में मंगल ग्रह लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और लग्न के स्वामी चंद्र को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लग्न और लग्नेश दोनों को। अब हमने सूर्य लग्न बनाई तो सूर्य लग्न का स्वामी स्वयं मंगल है और वो सूर्य लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब चंद्र कुंडली बनाई वो सेम है तो वो क्या हुआ, फिर से लग्नेश मंगल स्वयं है और वो चंद्र लग्न को देख रहा है। तो यहां तीनों लग्नों पर मंगल की दृष्टि जन्म लग्न पर भी है, चंद्र लग्न पर भी है, सूर्य लग्न पर भी है। मंगल चंद्र लग्न के स्वामी को देख रहा है और दोनों बाकी दो स्थितियों में स्वयं शुभ स्थिति में। और एक चीज ये भी है कि तीनों कुंडलियों में यानी तीनों लग्नों में वो केंद्र में बैठता है, तो ये स्थितियां अतीव शुभ हुई, यहां मंगल ग्रह अतीव शुभ फल देने वाला हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखने का प्रयास किया होगा तो ये विषय समझ में आया होगा। तीन बड़े महत्वपूर्ण नियमों पर आज चर्चा हुई है, छोटे छोटे हैं पर बहुत कारगर हैं, सभी महानुभावों पर लगते हैं, ऐसा नहीं है कि सब पर लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साधारण लोगों पर ये नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। उनका प्रभाव देखने में आता है उसका, और वो इतने ज्यादा अपनी दशा अंतर दशा आने पर वो ग्रह बहुत ही अधिक प्रभाव देता है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको फीस कैसे और कितनी देनी है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आगे लाइक भी कीजिए जिससे कि हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे और आप तक जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान है मैं पहुंचाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।